हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे बेटा खाली जगह भरो। खाली जगह भरो। अपनी बुक का बेटा पेज नंबर निकालेंगे 31। अभी निकालो और उसका ग पॉइंट देखेंगे। रिक्त स्थानों में सही शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, र आ रा, ध आ धा राधा, क आ का, अ आ आ, य आ या आया, राधा का आया। कौन आया राधा का? अब ये देखो इधर क्या लिखा है, म आ मा, म आ मा, मामा, ब आ बा, ज आ जा, बाजा। राधा का कौन आया, मामा आया कि बाजा आया? हमने इधर पढ़ा था ना, राधा का एक मामा था। कौन आया था, ये कौन है? राधा का मामा ये आया है ना। तो इधर हम लिखेंगे राधा का मामा, राधा का मामा आया। सेकंड नंबर देखें बेटा, दूसरा नंबर, उठा आ उठा, कर कर, रख रख, उठा कर रख, क्या उठा कर रख? अब इधर देखेंगे, ख आट खाट, ब आ दल बादल, बादल को हम उठा कर रख सकते हैं? हाँ, बादल को उठा कर नहीं रख सकते ना, बादल तो हमसे बहुत ऊपर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो खाट उठा कर रख, तो इधर लिखेंगे बेटा ख आ ट खाट, खाट उठा कर रख। हम नीचे देखेंगे, राधा ल आ ला, राधा ला, क्या ला राधा? पढ़ो इधर, प आठ पाठ, श आ ल आ शाला, पाठ शाला, राधा पाठशाला ला, या छ आ त आ छाता, छाता ला। पाठशाला को ला सकती है राधा? पाठशाला क्या होता है? हाँ, मैंने आपको बताया था पाठशाला क्या होता है, हमारा स्कूल जो होता है उसको हम हिंदी में पाठशाला बोलते हैं बेटा। तो स्कूल को तो हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। तो राधा छाता ला, इधर क्या लिखेंगे, छाता, राधा छाता ला। ओके, ये वर्क बेटा आप अपनी बुक में ही लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। 2 दिन बाद हमारे टेस्ट है ना, हमारा एग्ज़ाम है, हाँ, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। ये आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, बुक में ही लिख के रखेंगे। ठीक है, पढ़ के बुक में लिखेंगे, कॉपी में जो भी मैं वर्क दूंगी, जो भी मैं एक वर्कशीट दूंगी, आप वो कॉपी में करेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे बेटा, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्णों को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, न प्लस ल, क्या बनेगा, न ल नल, नल। ठीक है, ऐसे ही छ आ त आ छाता, इधर लिखेंगे छ आ त आ छाता। ठीक है, इस तरह से बेटा ब र ग द क्या बनेगा, ये आप लिखेंगे इधर अपनी कॉपी में, ये सारा आपको ऐसे ही लिख के करना है। कमल घर क्या बनेगा हमारा, मटर क्या बनेगा, इधर आपको लिखना है। चित्र देखकर शब्द पूरे करो। ठीक है, आपको चित्र देखना है, ये किसका चित्र है, और उसको इधर में लिखना है, लिखा हुआ है लेकिन उसका कुछ
हिस्सा हमारा छूटा हुआ है उसको आपको पूरा करना है और लिखना है, ठीक है। शलजम तो इधर क्या आएगा, श, ऐसे ही नल, नल नल इधर लिखना है। कमल क मल म ल। ताला त आ ल आ ताला, ठीक है। इधर हमारा थर्ड नंबर क्या है, राधा का आया, कौन आया राधा का, अभी बताया था मैंने, राधा का मामा आया, ये आप लिखेंगे। म अक्षर से क्या होता है, सही का चिन्ह लगाओ। भवन भवन, मटर मटर। म अक्षर से कौन सा बनता है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। ल अक्षर को न और प से मिला के कौन कौन से शब्द बनेंगे, इसको न को ल से मिलाएंगे, न ल नल, फल फल, इस तरह से। अब देखना है इधर में ये वाला हमारा सही है कि हमारा ये वाला सही है, जो सही है आप उस पर टिक करेंगे बेटा, राइट का निशान लगाएंगे। सही वर्ण छांटकर खाली स्थान में भरिए, इधर लिखा है द, आपको इधर से छांट के इधर लिखना है, और कल द मकल दमकल बनेगा कि द दत्कल बनेगा, जो बनेगा आप उसको सही को आप इधर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या बनेगा, कसरत बनेगा, कशरत बनेगा, जो सही है उसको आप इधर लिखेंगे। खाली जगह में भरिए, सही खाली जगह में सही वर्ण भरकर सही शब्द बनाना है, हमको सही वर्ण लगाना है, कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बिना साइंस वाला अक्षर इधर नहीं लिखना है, ठीक है। आप सही अक्षर लिखेंगे और जिससे हमारा सही शब्द बने, ठीक है। फ स ल फसल, तो आप इधर ल लिखेंगे। ऐसे ही क ल म कलम, क ल श कलश, सड़क सड़क, ठीक है। इस तरह से बेटा आप ये पूरा वर्क अपनी कॉपी में साफ साफ लिख के प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। ओके बाय।